मैंने मम्मा का ड्रेस शर्ट और अपनी सेम वाली हमने निकाल ली है, मैंने प्रेस वगैरह करके रख ली है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका सारियाना। तो इस टाइम जो है मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने आस्ते। किधर आज चले हैं? मम्मी आओ बाहर, मैं बाहर ब्लॉग स्टार्ट करनी है, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बाहर से ना गल करने आज किधर चले हैं। ठीक है, अस चले हैं जी लोरल। रुको ना, सब्र रखो, जरा सब्र करो। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ छत पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दो तीन दिन थोड़ा अच्छा मौसम होया सा, इस टाइम वापस तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस टाइम मैं सोचने लगी नहीं इतनी चढ़ाई किस तरह चढ़ सकेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे चलो अंदर, बस दरवाजे खोलने देरी होनी है, बच्चे पहले सारे बाहर आ जाने। चलो बच्चे अंदर। तो मैं चलो ये अगे कोई फोटो बनाने वाला नहीं होती, तो मैं तो मम्मी ने ट्रेनिंग की नहीं है दसवीं, उन्हें मम्मी नाल भी मिलवानी है। तो देखियो असा ट्रेनिंग की तीन किस तरीके ने लगने, मैं सी आया कि दो फोटो बना ले असा ने। तो देखो तो आपस सेम कपड़े लाने हैं, मेरे जगह नहीं बनानी है, कलियाँ कलियाँ। मेरी आवाज़ नहीं, मेरी सही आवाज़ मोटी हो गई नहीं है, मैं जोरे तो नहीं कितनी कोई नहीं, मजाक नहीं कर रही, लगी नहीं सही। अस्सलाम वालेकुम छोटे बड़ों को, सबको अम्मी का प्यार भरा सलाम। अम्मी का प्यार भरा सलाम। जो चाहते थे कि ये सामने नहीं आती, तो आज आ गई हूँ। ये मम्मा के गोल्ड के इयररिंग्स। हाँ, लेकिन गोल्ड थोड़ा काला फिर गया। नहीं मम्मा शादी की है, मम्मा पहनते नहीं है, राज नहीं खुलिया कर। मैं उर्दू की चल जानी, मेरे समझ नहीं आनी उर्दू। नहीं जरा इधर इधर कर, हाँ जरा अपना जड़ा अपना हाथ इधर कर। हाँ गोल्ड नहीं, रिंग एंगेजमेंट नहीं। नहीं गाइज, ये चप्पल ये रोज मेरे को कहती है 200 रुपए की चप्पल है, 200 रुपए की चप्पल। ओ बच्चा गया, गाइज सामने क्यों थो, या गेरी बिना बोलन नहीं देसू, या बिना बिल्कुल नहीं बोलन देसू। देखो बच्चा गया, वो बच्चा देखो चप्पली भी ट्विनिंग ट्विनिंग, ड्रेस ने भी ट्विनिंग। गाय इनको इग्नोर करें, फोकस ऑन मी, बाय बाय। उन फोटो ना मिलने बाद जी, तो फोटोज वगैरह भी बना लीते, रील भी बना ली थी, उन लोग आ गया, सामान शमान चुक लेता। देखो मैं सारा सामान मम्मी चुकवाया ना, मिलना चुकाया, देखो ले सारा सामान मिलना चुकाया इसने। मैं लेसा मैं ही पता सोने ही हो चीज बोल, मैं वीडियो बना ले। यही हो थालो, देखो यो इग्नोर हम पहुंच गए थे मंडी, तो मुझे लगा यहाँ से जाएंगे इस वाले ब्रिज से, बट नहीं गए। फर्स्ट टाइम मतलब मैं गई हूँ यहाँ से, कि इस वाले जो नया वाला ब्रिज बना है यहाँ से गए हैं, बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता था, तो अच्छा है कि मतलब साइड से, और रोड भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी रोड नहीं है मंडी तक, तो ठीक है, मंडी से ऊपर इतनी बकवास और गंदी रोड। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ी से उतर गए हैं। मैंने बहुत सारी बातें करनी थी, बट मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। शोर आ रहा होगा आई थिंक, मैं पता है क्यों उर्दू में बात कर रही हूँ वापस से, क्योंकि कुछ लोगों को पहाड़ी समझ आती है, कुछ को नहीं। मम्मा के साथ पहाड़ी में ही करेंगे बात। तो अभी यहाँ पे ना बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, गिर गए तो हड्डी पसली टूट जानी है। मम्मा सब्जी देख के वो हो जाते हैं ऊपर, वो थोड़ा सा गन्हार देखा उसके पीछे पड़ गए, अभी वो देखा बोलते हाय चुनने के लिए नहीं है, वरना चुन के ले जाती है। पानी जाता है ना नीचे, मम्मी वो बोलो यार, मैं उर्दू बोलूंगी आप वो बोलो। मम्मी काम नहीं, काम मेरी गाइस गर्ल सुनो, पहले तो एक जगह देखो, थोड़ी सी जगह पे जरा ये रोड बने तो पटेओ पटनी को मशीन के नाल बीज छिल लियो। बीज नहीं मम्मी, पानी आना है इधर, पानी आवे इनका, पानी ने वजह तू आया इधर पैदा हो गया। मम्मी आख ना कश्मीरी ना बिल्कुल नहीं आने लगी, जड़ी लैंग्वेज कश्मीरी बोलो मम्मी, कश्मीरी नहीं आती, गोजरी आवे। गाइस असा ना यो मसला है, जड़ी असा नहीं लैंग्वेज है, यो असा ही नहीं आनी कश्मीरी नहीं आनी, और जड़ी मर्जी लैंग्वेज करा लो, गुजरी पहाड़ी बारा छुआ खरसानी ठीक ठाक खुश पैसे कोटी वारा मोची वारा मोल वारा बताना, जिसको समझ आई क्या बोला है मम्मा ने, कोटी
कैसा खड़ा रास्ता है। मैंने मम्मा को उस साइड से भेज दिया, मम्मी तेजी से जाऊंगी, इधर से जाऊंगी ना गिर जाओगे यहाँ से। ये देखो व्यू, मस्त व्यू, मस्त व्यू। ये देखो ठंडा ठंडा मौसम, बस एक चढ़ाई चढ़ने में ना बड़ा वो होता है, आलस आता है। ये यहाँ पे देखो आवाज़ आ रही है, अभी लोग वहाँ पे ऊपर घास भी काट रहे थे, आगे से जाके दिखाऊंगी। पहले पहले ये पुल जो है ना कच्चा होता था जब हम छोटे होते थे, तब ना बहुत डर लगता था, पापा हमें ज़्यादा ज़्यादा डराते थे, चिंता था बहुत ज़्यादा। गल दसो जिस समय आओ ना, क्यों पहले पहले मतलब जितना छोटे होने से पुल कच्चा होना था, लकड़ लकड़ ना लकड़ पहाड़ी का नहीं, क्योंकि पहाड़ी का ठीक है लोग आते ना ओवर एक्टिंग खतरनाक वाला व्यू है, ठीक है। यहाँ से नीचे कोई गिर गया ना उसकी हड्डी पसली एक हो जानी है। सूरज सूरज हुआ मध्यम, वो वाला बंगला लीजिए मैडम जी, वो देखो दादी वो खड़ी है। क्या बोल रहे हो? मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ एक बंदे को। कुछ नहीं, चुप चुप गाइस, बाद में मिलते हैं। यहाँ तक आई है रोड़ी वाली, इसके ऊपर हमें पैदल जाना पड़ेगा हमेशा की तरह, आज की तरह। और मेरे को ना मक्की देख के खुम्मे खाने का मन हो रहा है, पता नहीं हमारे घर पकी होगी कि नहीं। ये लास्ट दिनों में जब मैं आई थी तब तो छोटी छोटी थी, मतलब अभी तैयार नहीं हुई थी, कच्ची थी। ये देखो यहाँ पे देखो मामा कितने दूर हैं, मामा चल ही नहीं सकते, मामा मामा चल ही नहीं सकते, क्या किया जाए। क्या बोलूँ, आवाज़ सुन रहे हो? ठीक है, अच्छा हुआ हम इस टाइम आए क्योंकि धूप भी कम है, धूप में चले नहीं जाता, हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ घास काट रहे हैं सामने बाहर, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे घास काट रहे हैं अभी। देखो कैसी पहाड़ी है, कितनी ख़तरनाक, और फिर भी इन लोगों का जिगर है जो यहाँ खड़े होकर घास काटते हैं। ज़्यादा तो वैसे टाइम पास ही करते हैं, इनको बार बार दो दो मिनट के बाद चाय चाहिए होती है, काम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे हम खाना खाने के लिए बोल रहे थे, मेरे को मन नहीं था, जब भी जाना होता है मेरे ऐसा होता है कि मेरे को दिल नहीं करता खाना खाने का, तो अभी मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं पापा ने कुछ बनाया होगा मेरे लिए या नहीं। अब आप बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कमेंट करने वाले, लास्ट टाइम मैंने जो होम टूर की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने ये बोला था पापा ये साफ़ नहीं की, इसको साफ़ तो कर देते, चेयर का बोला था, उसमें धूल मिट्टी पड़ी थी। अब तो मतलब ये नॉर्मल बात है, साफ़ सफाई तो हर एक रख सकता है। पापा घर पर थे तो मतलब मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया पापा पे, मैंने की कि जहाँ बंदा रहता है, मतलब एक जानवर भी रहता है तो वो भी साफ़ सफाई करके रहता है, तो मेरे कहने का ये मतलब था पापा अपने साफ़ नहीं की, साफ़ कर देते इसको, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, तो सफाई अच्छी होती है, तो इसमें घर का कोई भी करे ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोग इतना बोल रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पापा को बोल दिया उनकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल में इज्जत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये सब चीज़ें सिर्फ आप लोग सोच सकते हो, सोच के जज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे ताई के घर, यहाँ पे हमारे लिए आ गई थी चाय, हम लोगों ने यहाँ पे चाय की नहीं पी, तो यहाँ पे मेरी छोटी कज़न बना रही है फुलके हाथ पे, बहुत ही टेस्टी फुलके बनाए। उसके बाद ये है उनकी किचन, बहुत ही मज़ेदार, अच्छी गाँव की जैसी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पी नमकीन चाय, जो कि मेरे को पीते पीते इतना ज़्यादा टेस्ट आ गया, मैंने 4 कप चाय के पी लिए, नमकीन चाय थी। तो यहाँ पे मामा बैठे हैं, तो अभी टाइम क्या हुआ है, 7:30 हो गया, ठीक है। तो हम लोग बैठ गए ताई के घर, हम तभी नहीं बैठते होते वहाँ पे, बैठो ना इतनी गप्पे हो जाती हैं इतना। फिर साथ में हमने लिप्टन चाय पी, और नमकीन चाय का इतना टेस्ट हम घर पे बनाते हैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेस्ट। मैंने 4 कप पी लिए चाय के, ठीक है, फुलके भी खा लिए, दो खाए शायद, तो इतना टेस्ट आता है। क्योंकि हमारे में ना ये होता है, कश्मीरी जो होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग पीते होंगे, बट कश्मीरियों का होता है मतलब शाम को वो चाय पीते ही पीते हैं। अभी जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ ना, अगर मैं गिर गई ना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, हड्डियाँ पसलियाँ जो है ना टूट के चूर चूर हो जाएंगी। मज़ा आ गया, मम्मा ने भी 4 कप पिए, 4 मम्मी 3 मम्मा ने पिए,
मज़ा आ गया यार, इतनी टेस्टी चाय थी ना। यहाँ का पानी जो है ना वो टेस्टी है, तो भूख लगती है। इधर जितना मर्जी खाओ 10 मिनट, अभी चाय पी के है ना, अभी उठ के ऐसे लग रहा है कुछ खाया ही नहीं है। इधर का यही है। हाँ तो अभी देखो, आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो डर भी लग रहा है। मम्मा आगे आगे चल रहे हैं, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सबके साथ। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। फ़ोन है हाथ में, टिक नहीं कर सकती।